नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और आपके साथ मैं हूं धर्मेंद्र। देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा का पोस्टमार्टम हाउस गुरुवार को सेक्टर 94 के इसी पोस्टमार्टम हाउस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में पोस्टमार्टम हाउस के डीप फ्रीजर हॉल में शवों के बीच एक कर्मचारी महिला के साथ अश्लील हरकतें करते हुए नजर आया। दूसरे कर्मचारी ने उसे बिछाने के लिए चादर लाकर दी और उसका वीडियो बनाया। वीडियो अधिकारियों के संज्ञान में आया तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और शाम तक इस मामले में केस दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस वीडियो की पूरी सच्चाई बाद में सामने आई। दरअसल सूत्रों का कहना है कि यह वीडियो भले ही गुरुवार को वायरल हुआ था, लेकिन यह घटना 12 अगस्त की है। इसके बाद 13 अगस्त को ही वीडियो के बारे में सीएमओ दफ्तर के अधिकारियों को पता चल गया था, लेकिन मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिस दिन पोस्टमार्टम हाउस में यह घटना हुई, उस दिन डीप फ्रीजर हॉल में 12 शव रखे हुए थे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर अधिकारियों को इस वीडियो के बारे में पता चल चुका था, तो फिर इतने दिनों तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। पोस्टमार्टम हाउस के जिस वीडियो पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा, उसमें दिख रहे युवक का नाम शेर सिंह है। यूपी के अमरोहा जिले का रहने वाला शेर सिंह इस पोस्टमार्टम हाउस में संविदा के तहत सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था। बीते 12 अगस्त को शेर सिंह बाहर से एक महिला को लेकर पोस्टमार्टम हाउस के डीप फ्रीजर हॉल में पहुंचा और उसके साथ अश्लीलता करने लगा। इसके बाद संविदा पर ही इस पोस्टमार्टम हाउस में काम करने वाले दूसरे कर्मचारी ने उसे नीचे बिछाने के लिए चादर लाकर दी। शेर सिंह जब ये सब कर रहा था तो दूसरे सफाई कर्मचारी परविंदर ने उसका वीडियो बना लिया। इस वीडियो के लिए पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े निजी एम्बुलेंस के ड्राइवर भानु प्रताप ने अपना मोबाइल दिया था। शुरुआत में महिला ने कहा कि वीडियो मत बनाओ, जिस पर परविंदर ने कहा कि वो वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन वो चुपके से वीडियो बनाता रहा। करीब 6 मिनट के इस वीडियो में दिख रही महिला के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। नोएडा पुलिस अब इस महिला की तलाश में जुट गई है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तरफ से नोएडा के सेक्टर 126 स्थित पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई गई। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 22 अगस्त को सफाई कर्मचारी शेर सिंह, परविंदर और एम्बुलेंस ड्राइवर भानु प्रताप को गिरफ्तार कर लिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इन दोनों कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। मामले में विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में खुद नोएडा के DM मनीष वर्मा ने संज्ञान लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।